हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। 2019 मॉडल होंडा सिविक भारत में लॉन्च हो चुकी है। कंपनी ने इसे पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। होंडा की 10th जनरेशन की सिविक की बुकिंग पहले से शुरू हो चुकी थी। होंडा सिविक का पेट्रोल इंजन 3 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च किया गया है और वहीं इसके डीजल इंजन को 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। और अगर आप होंडा सिविक कार के फर्स्ट जनरेशन से लेकर 10th जनरेशन कार के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन की। तो 2019 मॉडल होंडा सिविक के पेट्रोल इंजन में 1.8 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है और इसका यह इंजन 141 पीएस का मैक्सिमम पावर और 174 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें सीवीटी ट्रांसमिशन का ऑप्शन शामिल है। वहीं इसके डीजल इंजन की बात करें तो इसमें 1.6 लीटर का इंजन दिया गया है और इसका यह इंजन 120 पीएस का मैक्सिमम पावर और 300 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है और इस कार में 6 स्पीड तक मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। इसके डायमेंशन की बात करें तो इसका लेंथ 4656 mm है विथ 1799 mm है और इसकी हाइट 1433 mm है और इसका व्हील बेस 2700 mm है। अब बात करें इसके प्राइस की तो होंडा सिविक का पेट्रोल इंजन का प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बेस वेरिएंट वी सीवीटी का एक्स रूम प्राइस 17,69,900 रुपीज है। वहीं इसके वी एक्स सीवीटी वेरिएंट्स की प्राइस 19,90,900 रुपीज है, जबकि इसके टॉप एंड वेरिएंट जेड एक्स सीवीटी का प्राइस 20,99,900 रुपीज रखी गई है। और इसके डीजल इंजन की प्राइस की बात करें तो इसके बेस वेरिएंट VX MT का प्राइस 20,49,900 रुपीज रखी गई है। वहीं इसके टॉप एंड वेरिएंट ZX MT का प्राइस 22,29,900 रुपीज रखी गई है। बात करें माइलेज की तो कंपनी का दावा है कि 2019 मॉडल होंडा सिविक का पेट्रोल वेरिएंट 16.5 KMPL तक माइलेज दे सकता है, वहीं इसका डीजल वेरिएंट 26.8 KMPL तक का माइलेज देता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा वेरिएंट आप लेने की सोच रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।